हेलो स्टूडेंट्स, आज आप करने जा रहे हैं क्लास 8 द चैप्टर 6 स्केयर एंड स्केयर रूट। ओके, स्केयर एंड स्केयर रूट चैप्टर करने तो पहले सानू सब तो पहला आप स्केयर का मतलब चंगी तरीके नाल समझ लेने हैं, फिर बाद में स्केयर रूट की गल करांगे। ठीक है, क्योंकि हुण तक तुसीं सब ने स्केयर आप जो भी एक फिगर स्केयर यह सुनिया होना है कि एक स्केयर फिगर आ जाती है साडे कोल जिहड़ियां सारियां साइड्स दी लेंथ की हुंदी है इक्वल। बट हुण आपां इत्थे एक स्केयर अलजेब्रिक स्केयर दी गल करांगे। स्केयर किसी भी वेरिएबल दा भी हो सकता है, किसी कांस्टेंट दा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं तुहानूं कह रही हां कि आपां 2 दा स्केयर फाइंड करना है। 2 दा स्केयर किसी भी नंबर दा, जदों असीं स्केयर फाइंड करना है तां असीं उसी नंबर नूं उसी नंबर दे नाल की करनी है मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल जो असीं किसी भी नंबर का स्केयर फाइंड करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं थोनों कह रही हाँ 3 स्केयर। ठीक है, 3 स्केयर तो इनू सिक्वें लिखते हैं 3 रेज टू पार 2। ये आप 7th क्लास के अच्छे तरीके कर लिया है कि ए नीचे वाली टर्म जो भी है वह की होता बेस, तो इनू असीं की बोलते हैं एक्सपोनेंट, यानी कि इनू आप बोलते किवें हैं 3 रेज टू पार 2। इट मीन जे असीं 3 का स्केयर फाइंड करना है तो असीं की करांगे 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि उस नंबर नूं 2 बार की करांगे मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9। क्लियर है जी? इसी तरह जे असीं किसी कोई होर नंबर है साडे को, फॉर एग्जाम्पल 2 है।